नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। पुलिस के कंट्रोल रूम भी नहीं आए काम, कई थानों की पुलिस पड़ी पीछे। दोस्तों, अक्सर करके ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोग या ड्राइवर जब सफर पर होते हैं तो अपनी गाड़ियां कहीं ढाबे पर तो कहीं पेट्रोल पंप पर खड़े कर देते हैं और वहां से बाद में फिर चोरी की घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन यहां पर एक घर के पास एक पेट्रोल पंप जहां पर रोजाना गाड़ी खड़ी होती थी, वहां से पूरी की पूरी गाड़ी ही गायब कर ली गई। जी हां, गाड़ी चोरी कर ली गई। दोस्तों, ये मामला सामने आया है छपार थाना क्षेत्र बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। यहां बरला गांव में एक पेट्रोल पंप है, शाकुंभरी फिलिंग स्टेशन। यहां पर गाड़ी मालिक अनिल रोजाना अपनी गाड़ी खड़ी करते थे। 10 टायरा ये गाड़ी है, टाटा कंपनी। अक्सर करके माल कहीं से खाली करके आते हैं, यहीं पर गाड़ी खड़ी कर देते हैं। 22 अप्रैल को भी यही किया, लेकिन 23 अप्रैल की आधी रात तकरीबन 2 बजे ये गाड़ी चोरी कर ली गई। पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज में ये साफ नजर आ रहा है कि वहाँ पर 2 लोग आए, आराम से गाड़ी की दरवाजे का लॉक तोड़ा और गाड़ी वहाँ से चोरी करके ले गए। इस मामले की सूचना अनिल यानी कि गाड़ी मालिक को तुरंत दी गई पेट्रोल पंप के मालिक द्वारा कि आपकी गाड़ी यहाँ नजर नहीं आ रही है। उसके बाद इनके हाथ पांव फूले, पेट्रोल पंप पहुँचे, आसपास गाड़ी खंगाली, कुछ नहीं पता चला। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि गाड़ी चोरी कर ली गई है। गाड़ी संख्या आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे ही पता चला कि गाड़ी चोरी हो गई है तो गाड़ी मालिक पास के टोल नाके पर पहुंचे, जो कि तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के आसपास ही था। वहां से भी सीसीटीवी फुटेज खंगाला, पता चला कि यहां पर बाकायदा टोल नगद कटवाकर चोर निकले। मालिक ने बताया कि फास्टैग था, लेकिन फास्टैग को फाड़कर फेंक दिया गया। थोड़ी ही देर बाद 112 नंबर पर पुलिस को सूचित किया गया, मामले की तहरीर दी गई। उसके बाद पुलिस इस पूरी पिक्चर में आई। पुलिस ने भी काफी हाथ पैर मारे, नियंत्रण कक्ष यानी कि कंट्रोल रूम से सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। गाड़ी को कई जगह सीसीटीवी फुटेज में देखा गया। एक जानकारी के मुताबिक पता चला कि करनाल वाले रास्ते पर ये गाड़ी गई है। 4-5 दिन तक पुलिस गाड़ी को खंगालती रही, यहाँ वहाँ तलाश करती रही। अम्बाला तक पुलिस कर्मी गए, लेकिन उनके हाथ चोर ना लगे। हमारी बात इस पूरे मामले में गाड़ी मालिक के बेटे विवेक से हुई, जिसने पूरी जानकारी हमें बताई। उन्होंने बताया कि अम्बाला से 10 किलोमीटर पहले तक ये गाड़ी दिखाई दी गई, उसके बाद आसपास के गांव भी खंगाले गए कि ना तो चोरों का कुछ पता चला और ना गाड़ी का। अब सवाल ये है कि गाड़ी को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। पुलिस के हाथ भी कुछ न लगा, लेकिन गाड़ी मालिक ने बताया कि पुलिस के प्रयास जारी हैं और इस मामले में काफी सहायता यहां पर पुलिस कर्मियों ने की है, लेकिन उनके हाथ कामयाबी अभी तक नहीं लगी। यानी कि चोर इतने शातिर थे कि सारे सुराग और सबूत होते हुए भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग पा रहा। इस गाड़ी को आप ध्यान से देखें, इस गाड़ी का नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है। अगर आपको कहीं इसकी जानकारी मिलती है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप जानकारी दे सकते हैं। गाड़ी मालिक ने बताया है कि उचित इनाम का भी बंदोबस्त किया जाएगा। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Facebook और Twitter पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की RC और पुरानी बीमा कॉपी 90831 पर व्हाट्सएप कर दें तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।